आरएसएस टेक्निकल माइंडेड, क्या नाम है, वाह। हेलो आरएसएस जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हेलो, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए थे ना। देखो तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे ना। यस चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में। इसको देख लिए थे, इसको देख लिए थे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, ये सब देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं, अब है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं ना आवाज वाज में, स्क्रीन में? नहीं सर। चलो ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये हम देख लिए थे शायद कि जब कभी आपका प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी में रहता है तब वो सब कहाँ पर रहता है, इधर बैकिंग स्टोर में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में, नहीं बताते? चलो बताया था, अभी बताते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, अगर पीछे का क्लास आप लोग रेगुलर किए हैं ना तो कोई समस्या नहीं होगा समझने में, एक एक परसेंट भी समस्या नहीं होगा। और अगर देख लिए हैं, रिवीजन करते हैं तो और अच्छी बात है। देखो इसको पढ़ो, व्हेन द प्रोसेस इज इन सस्पेंडेड रेडी स्टेट देन दैट इज रिसाइडिंग इन द बैकिंग स्टोर सेकेंडरी मेमोरी। सर ये क्या कह रहे हो? ये कह रहा है कि आपको, देखो आपको ये तो याद होगा ना, आपके तीन स्टेट जो होते हैं, आपका तीन स्टेट, एक होता है आपका क्या कि भैया, ये होता है आपका सबसे पहले न्यू, यहाँ पर रहता है न्यू, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपका रेडी था। ये क्या था, कोई बता सकता है मुझे? रनिंग रनिंग, था। रनिंग, और ये वेट या ब्लॉक है ना। तो ये कह रहे थे सर आपको कि ये तीनों जो आपका है, ये तीनों कौन कौन, तो आपका रेडी, रनिंग और रन वेट वेट, ये तीनों कहाँ पर रहता है? मेन मेमोरी में है ना। मेन यस सर ठीक, और इसके अलावा एक आपका स्टेट, यहाँ पर स्टेट होता है आपका सस्पेंडेड वेट, है कि नहीं है? सस्पेंडेड अच्छा वेट, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। ये जब तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, यस हाँ, तो सस्पेंडेड वेट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो सस्पेंडेड वेट रहेगा तो सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है? सस्पेंडेड वेट कहाँ पर रहेगा आपका? सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी इसी बात मेमोरी को, में तो इसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जब कभी भी, व्हेन द प्रोसेस इज इन द, जब कभी द प्रोसेस इज इन, कहाँ पर प्रोसेस कहाँ पर हो, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, तब 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 दैट इज रिसाइडिंग इन द बैकिंग स्टोर। और एक बैकिंग स्टोर को भी नाम आप लोग याद रखो, बैकिंग स्टोर को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं बैकिंग स्टोर। और एक्चुअली इसका नाम क्यों पड़ा सेकेंडरी मेमोरी का बैकिंग स्टोर, इसलिए कि आपको हार्ड डिस्क को नहीं बोलते हैं आप लोग सेकेंडरी मेमोरी जी, नहीं, वहीं से आप लोग अपना क्या कहते हैं, बैकअप लेते हैं। जब कभी आपका सिस्टम फेलियर हो गया तो अपने हार्ड डिस्क से आप लोग बैकअप लेते हो। तो यहीं से आपका ये वर्ड आ गया कि हमको सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैकिंग स्टोर बोलते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बैकिंग स्टोर अगर कहीं कहीं आपको ये ना देखे, सेकेंडरी मेमोरी ना देखे, आपको बैकिंग स्टोर दे दिया रहेगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, बैकिंग स्टोर बोले तो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना? चलो अब हम बात यस कर अब हम बात करते हैं अगले इस लाइन पर। कह रहा है कि आप इसको अभी देख सकते हो, देख लो, जस्ट आपको क्लियर करते हैं कि ईच एंड एवरी टाइम, मतलब यहाँ पे देखो, हटाओ उसको, छोड़ो, आपको हम दिखाते हैं। देखो आपका है, आपका ये कोई है, आपका मेमोरी है, मान लो इतना बड़ा ये कोई मेमोरी है, इस टाइप से कोई प्रोसेस यहाँ पर P1 यहाँ पर गया एक्सिक्यूट होने के लिए, इतना बड़े एरिया में, इतना मेमोरी में आपका प्रोसेस P1 ऑक्यूपाई किया हुआ है जगह। जब आपका कोई प्रोसेस P2 आया, P2, तो अगला वाला मेमोरी में एलोकेट हो गया, एलोकेट हो गया, ठीक है ना? अगला वाला मेमोरी स्पेस में एलोकेट हो गया। और मान लो कुछ समय के बाद इस P1 का काम खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, मेमोरी को लीव कर देगा, यानी छोड़ देगा, छोड़ देगा। तो यही है हम बोल रहे हैं आपको कि
एक प्रोसेस बाहर जाता है और उसके स्थान पर किसी दूसरे को लाएंगे ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। जैसे आप अपने शहर में, यहाँ पर मान लो कोई आदमी पटना में है और वो पटना से कहीं दूसरे जगह चला गया, जैसे मान लो कि दरभंगा चला गया या समस्तीपुर, तो क्या करते हैं उसको हम स्विच करना कहते हैं, स्विच करना। तो यहीं से एक वर्ड आया है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, तो आप यही देख लो यहाँ पे इसको देखने की जरूरत है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया। हिंदी में बात करेंगे, देखो ईच यानी प्रत्येक एंड एवरी टाइम व्हेन प्रोसेस, जब कभी भी आपका ईच यानी प्रत्येक टाइम, और एवरी टाइम व्हेन प्रोसेस, जब प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम, मूविंग वर्ड है देखो, मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस विल चेंज। कहने का मतलब ये कह रहा है कि मान लो कि आपका ये प्रोसेस आपका रेडी अवस्था में है, रेडी स्टेट में है, और जब ये कहाँ जाएगा, मान लो कि ये रनिंग अवस्था में गया, रनिंग अवस्था में गया, ठीक ना। तो हर टाइम हर वक्त, यानी जितने बार वो आपका कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग में जाएगा ना, तो कंटेक्स्ट ऑफ मतलब उस प्रोसेस का चेंज होगा। सर ये कंटेक्स्ट क्या होता है, तो कंटेक्स्ट एक तरह से बोलो उस जो प्रोसेस एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उससे संबंधित जितने डेटा होते हैं ना, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट बोलते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो एक वर्ड है आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग, उसी के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। और बड़ा कर दें। देखो इस फोटो को देखो, आप इस फोटो को देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका P1, एक P1 है, एक रुक जाओ, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। जब कभी भी कोई प्रोसेस इसमें एंट्री किया, ठीक है ना, और कोई दूसरा प्रोसेस इसमें एंट्री किया P2, तो होता क्या है ना, होता क्या है ना कि आपका P1 और P2 के, जब P1 और इस P2 के, मतलब P1 P2 के बीच में एक गैप देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग गैप देख रहे हो, ये ना समय का गैप है, एक तरह से बोलो इसको बोलते हैं ना यस समय, मतलब एक तरह से गैप। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि देखो इसको हटाओ, क्लियर कर देते हैं, रुक जाओ, नोटपैड लाने दो। देखो देखो हम ये कह रहे हैं आपका, ये देखो एक प्रोसेस आपका यहाँ पर रह रहा है इसके अंदर में P1, ठीक है। जब कभी भी हमको जरूरत पड़ेगा तो कोई दूसरा प्रोसेस P2 को अगर हम इसके अंदर में लाना पड़े तो क्या होगा ना, तो P1 से हमने इसको P2 को अंदर में ला दिया, तो कुछ समय तो भैया लाने में टाइम लगेगा ना जी, कुछ समय इसको लाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है या बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स हैं, तो ये गैप जो होता है ना, ये गैप, यही को उसको बोलते हैं हम लोग कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का गैप है, समय का गैप है। ये कहने का मतलब ये आपका अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल बोले तो देखो सिंपल भाषा में एक चीज को हम कहीं से ले जा रहे हैं और फिर कहीं वहां से वापस लाएंगे, तो कुछ समय का गैप लगता है आपका, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना इसको स्विच करने में कुछ थोड़ा सा गैप लेता है, इसी को बोलते हैं ना स्विचिंग करना, इसी को बोलते हैं स्विचिंग करना। तो ये कैसे होता है आपके जनरल लाइफ में, तो जनरल लाइफ में आपको होता है कि जैसे आप मान लो कि आपके घर में, ये आपका घर है एक तरह से, मान लो किसी एक मेंबर को आपने एंट्री करवाया, आपने एक मेंबर को एंट्री करवाया, ठीक है, और आपको जरूरत पड़ा इस मेंबर को, आपने बोला कि भाई आपका काम खत्म हो गया तब बाहर जाओ। तो बाहर जाओगे तो आप क्या करोगे कि आपसे आपका गार्जियन पूछेगा कि भैया कौन आया था और कौन आप किसको बाहर कर दिए, तो आप क्या करोगे, एक रजिस्टर मेंटेन करोगे कि हाँ फलना आदमी मेरे पास आया था, इस टाइप से इतना समय रहा, ये रजिस्टर मेंटेन करोगे। यानी बाहर करने से पहले आपने उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर लिया, और जो दूसरा आएगा बंदा, जो दूसरा बंदा आएगा ना, दूसरा बंदा आएगा, दूसरा बंदा आएगा, तो फिर उसको क्या करोगे, बाहर निकालने से पहले यानी उसके बारे में कुछ जानकारी रख लोगे, ताकि फ्यूचर में गार्जियन को आंसर देना पड़ेगा इसलिए हमको,
तो यही होता है, कुछ समय जो आप लेते हो ना इसके जानकारी को बाहर निकालते वक्त स्टोर करते हो, बाहर निकालते के समय उसको समय उसके बारे में स्टोर करते हो ना कुछ जानकारी, यही होता है आपका कंटेक्स्ट। समझ में आया, कुछ महसूस हुआ, मतलब फील हुआ कि क्या होता है इसमें, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है? हाँ, सर। तो चलो हम उसको छोड़ सकते हैं इस जगह को। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा। देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सेविंग द कंटेंट कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंटेक्स्ट स्विचिंग। यानी सेव करना, कंटेक्स्ट मतलब वही इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन, तो जिस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस के बारे में। तो सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस, किसी एक खास प्रोसेस का जानकारी को सेव करना, और लोड करना कंटेक्स्ट ऑफ द अनदर प्रोसेस, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई दूसरा दूसरा आदमी मेरे घर आया, ठीक उसी प्रकार। तो लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट स्विचिंग। देखो आपका P1 है, P2 है, यही समय जो है ना आपका, यही आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग का ज्ञात है, ठीक है। और एक बात कंटेक्स्ट स्विचिंग में ध्यान रखो कि नॉट कंटेक्स्ट स्विचिंग P1 एंड P2 बिलोंग्स टू प्रोग्राम P। ये क्या लिख दिया सर, नहीं समझ में आया सर, एकदम समझ नहीं आया। तो पहले इस शब्द को देखो, इसको इसको बोलते हैं ना, अगर मैथ की भाषा में आप लोग सुने हो इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको इसको सुने हो ना आप लोग जी मैथ में, कि ए एंड बी बिलोंग्स, हाँ तो यही आपका बिलोंग्स टू कहने का मतलब संबंधित है, संबंधित है। तो हाँ, तो यहाँ पर देखो P1 और P2 हम इसके बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि P1 और P2 बिलोंग्स टू प्रोग्राम P, ठीक। और ठीक एग्जांपल यहाँ पर देखो, यानी इस P से संबंधित P1 भी है और इस P से संबंधित P2 है, यानी दोनों P1 P2 एक ही प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक है ना। यानी एक ही आदमी कैसे समझो कि पी नाम का एक आदमी है, इसके दो अलग अलग रिश्तेदार हैं, एगो P1 और एगो P2। तो हाँ ठीक है, तो जब आपका दोनों दोनों अलग अलग प्रोग्राम, एक मिनट, P1 P2, यानी दोनों प्रोसेस अगर एक ही चीज से संबंधित हो, यानी सेम प्रोग्राम का पार्ट हो, सेम प्रोसेस का पार्ट हो, तब वहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से दिखाते हैं, रुक जाओ, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये P1 और P2 जो है ना बिलोंग करता है सेम ही प्रोग्राम को, ठीक है ना, सेम प्रोग्राम को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि P1 जो है ना बिलोंग करता है प्रोग्राम R से और P2 बिलोंग करता है प्रोग्राम, एक मिनट, चलो हटाओ, देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि P1 बिलोंग करता है आपका प्रोग्राम R से और P2 बिलोंग करता है प्रोग्राम, यहाँ पर अंदर में Q लिखा हुआ है, ठीक है ना, जस्ट Q लिखा हुआ है आपका, P2 बिलोंग करता है Q से और P1 बिलोंग करता है आपका R से। तो देख रहे हो P2 है आपका संबंधित Q से और P1 संबंधित R से, यानी दोनों अलग अलग से संबंधित है, अलग अलग प्रोग्राम से संबंधित है, अलग अलग प्रोसेस संबंधित है। तो इस केस में आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि जब आपका प्रोसेस अलग अलग एंटिटी से संबंधित, अलग अलग पार्ट से संबंधित हो, तब वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, सेम वाले पार्ट पे ना होता है, ठीक है। और एक स्पेशल केस है जैसे राउंड रोबिन सीरलिंग, अभी आप लोगों को ना समझ में आया कि राउंड रोबिन क्या होता है, जस्ट आपको 10 मिनट के बाद समझ में आएगा। तो किसी खास स्पेशल केस में ऐसा होता है कि जब कोई अलग अलग एंटिटी सेम चीज से बिलोंग करने के बावजूद भी वहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, लेकिन जनरली आपका डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करेगा वहीं पर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। जैसे यहां पर देखो P1 और P2 है, P1 P2 मेरा दो प्रोसेस है, ठीक है ना, और ये P1 जो है ना R से बिलोंग करता है और P2 मेरा Q से बिलोंग करता है, यानी दोनों अलग अलग चीज का हिस्सा है, अलग अलग प्रोसेस का हिस्सा, अलग अलग प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ऐसे केस में ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, ठीक उसी प्रकार आप लोग दिमाग में रखो कि भैया मेरे घर में एक आदमी आया, उसके बारे में हमको जानकारी रखा मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पर कम्प्लीटली अगर उसी का कोई रिश्तेदार आया तो हमको एक तरह से समझो कि नहीं, जब हमको ये दोनों तो आपस में भाई समझो, भाई समझो भाई,
दोनों आपस में भाई है, तो भैया फिर से हमको क्यों रखने की जरूरत है इसके इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो पहले ही इसका ऑलरेडी जानकारी ले लिया हूँ, ऐसा समझो। अगर ये ही खून से संबंधित है तो काहे का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, काहे का इन्फॉर्मेशन सेव करना, अलोड करना कब होगा, जब दोनों अलग अलग रहे, ये भी अपरिचित और ये भी अपरिचित, ठीक है ना। तो ऐसे केस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा ही होगा। क्या क्लियर हो गया? अब बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, क्लियर हो गया जी? Yes, तो देखो देखो आपको आपको लगता होगा ना कि सर ये सब हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टफ है इस टाइप से। एक्चुअली टफ नहीं है, आप लोगों ने एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्ट लिख लेगा कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिफाइन इट, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है आपको डिफाइन कीजिए, चार लाइन में या दो लाइन में बोलेगा डिफाइन करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर बताना जरूरी था इसलिए नहीं बताते, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हम क्या करते हैं आपको विजुलाइज करवा सके, ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद अपने आप से जो है ना आपको विजुलाइज करवाना पड़ेगा, मतलब इंटरनली, और समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ जहाँ भी होता है ना, मैं मैक्सिमम जगह फोटो का इस्तेमाल करता ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, प्रेसेंस बनाए रखिए। न्यूमेरिकल भी आएगा, तगड़ा न्यूमेरिकल आएगा, टेंशन मत लो। देखो नोट में लिखाए हैं कि इन सम स्पेशल केसेस, यही बात लिखाए हैं कि कभी कभी अपवाद भी होता है ना, वही अपवाद है। देखो इन इन स्पेशल केसेस इफ देयर इज ओनली वन प्रोसेस स्टिल दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एग्जाम्पल राउंड रॉबिन सीलिंग। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे पास दो आदमी हो और दो आदमी सेम ही खानदान से बिलोंग करते हैं, उस केस में भी कभी कभी हमको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह से अपवाद है, हर चीज का एक अपवाद होता है ना, तो वही अपवाद है। तो वो क्या है आपका राउंड रॉबिन सीलिंग, और इसलिए इसको लिखा गया है आपको इन सम स्पेशल केस, यानी किसी खास स्पेशल केस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता है, जैसे राउंड रूटिंग सीडलिंग में ऐसा होता है, ठीक ना। आगे बढ़ें। हेलो हेलो देखो उस इस लाइन को पढ़ने से पहले आप लोग एक बात बताते हैं कि देखो अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास क्या हो कि आप किसी वर्क में इन्वॉल्व हो और कोई आदमी आपके पास लगातार आते रहे, वो भी अलग अलग आदमी आते रहे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे चीज़ के डेटा को रखना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में जानकारी सेव करके रखना पड़ेगा अपने गार्जियन को दिखाने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो पता चल सके उनको कि कौन कौन आया था, इस टाइप से कोई अनडिजायरेबल आदमी तो नहीं आया था। तो क्या होगा, आप जो जिस काम पर फोकस कर रहे हो, उसके अंदर में बैठ के मान लो आप जिस काम पर फोकस कर रहे हो, तो आपका ध्यान इधर ही बटेगा, आपका समय इसी में लगेगा, आपका समय इसका रिकॉर्ड स्टोर करने में लगेगा। तो क्या देख रहे हो, ये सब अनडिजायरेबल है, क्योंकि आपके समय आपके काम को और आपके समय को ये वेस्ट कर रहा है ना बेकार का, बिना मतलब का इसको सेविंग करना, लॉजिक बता रहे हैं आपको हम। तो यही होता है आपका, यही है आपको कहने का मतलब कि ठीक उसी प्रकार से आपको आपकी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि इफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज मोर, यानी मतलब वो इन्फॉर्मेशन उस प्रोसेस के बारे में अगर ज्यादा हो, देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम विल आल्सो इंक्रीज व्हिच इज अनडिजायरेबल, जो कि आपका अनडिजायरेबल है। और दूसरा लाइन को देखो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विचिंग टाइम इज कंसिडर्ड एज द ओवरहेड, ओवरहेड मतलब होता है बिना मतलब का माथापच्ची, ठीक है ना, नहीं बोलते हम, एक मिनट कहाँ भाग गया है। इस लाइन को देखो कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विचिंग टाइम कंसिडर्ड एज, एक मिनट यार कुछ ज्यादा जूम हो गया, देखो इस फोटो को देखो, उस फोटो को देखने की जरूरत ना, यहाँ दिखाते हैं, देखो मान लेते हैं कोई प्रोसेस ये है P1, और इसको सेव करने का टाइम इस P1 के को सेव करने और P2 को लोड करने में इसको काफी टाइम लग गया, यानी इसके बारे में जानकारी स्टोर करने में काफी वक्त लगे, ये गैप जो है ना ज्यादा गैप है, इसका मतलब ज्यादा समय लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम आपका ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि आपका CPU जो है ना, मतलब CPU इसको काफी टाइम लिया इसको सेव करने में, किसके बारे में जानकारी, P1 P2 के बारे में जानकारी को सेव करने में और P2 को लोड करने में ज्यादा समय ले लिया। ये सब ना आपका क्या है, आपका ओवरहेड है, ओवरहेड मतलब बिना मतलब का माथापच्ची, जिसको बोलते हैं हम लोग आसान भाषा में। तो यही है आपका दूसरा लाइन, आपका क्या कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विचिंग टाइम कंसिडर्ड एज ओवरहेड फॉर द सिस्टम,
यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है ना आपका कैसे बिहेव किया जाता है कि ओवरहेड बिहेव किया जाता है, सही बात है। और यहाँ पर इस फोटो को देखो कि पी वन है और पी टू है, पी वन और पी टू, और ये गैप ज्यादा दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि आपका मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, जो कि आपका डिजायरेबल अनडिजायर मतलब अनिच्छा, डिजायर मतलब इच्छा होता है ना, और उसके पहले लग गया अन, तो ये हो गया अनिच्छा, जो अच्छी बात मतलब ऐसा हम चाहते ही नहीं कभी, ठीक है ना। अब ये वर्ड है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज परफॉर्म बाय द डिस्पैचर, और कहने का मतलब, और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, एक फंक्शन है, ऐसा ये फंक्शनैलिटी है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर, ठीक है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव में यही खाली पूछाएगा कि डिस्पैचर, व्हाट इज डिस्पैचर, ठीक है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ डिस्पैचर, ठीक है। और ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन बाय द डिस्पैचर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन बाय द फलना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन बाय चिलना, इस टाइप से। तो आपको वहाँ पर ये डेफिनेशन वाला वर्ड है, डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो डिस्पैचर करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कौन करता है, डिस्पैचर करता है, नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखो, कॉन्टेक्स्ट सी है और यहाँ पर डिस्पैचर डी है, ताकि दिमाग पर जोर, ऐसा कोई ट्रिक नहीं एक्चुअली, बस दिमाग को थोड़ा जोर लग जाए वहाँ, कम से कम तुक्का न मारे, दिमाग स्ट्राइक कर जाए, सी डी। चलो हाँ, एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखो ये आपका है स्टेट है, ये आपका है आपका रेडी स्टेट, ये आपका है आपका रनिंग स्टेट, और ये आपका है मान लो वेट स्टेट, ठीक है। और एक बात बताओ, इसमें कितने प्रोसेस रह सकते हैं रेडी स्टेट में? एक से ज्यादा, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन वन। और रनिंग स्टेट में? एक ही, एक ही हो। वेट स्टेट में? वेट स्टेट में कितने स्टेट मतलब प्रोसेस रह सकते हैं इस अवस्था में, वेट वाले अवस्था में, इस अवस्था में मल्टीपल नंबर प्रोसेस। चलिए हाँ, तो ये तो हो गया था कि एक कंडीशन आपको बताते हैं, चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोग सही दिए, कि अब की बार ना आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्रोसेसर हैं, यानी बहुत सारे सीपीयू हैं, ठीक है ना, मोटा मोटी ऐसे प्रकार से एन सीपीयू है, कितने हैं, एन है, एक एक दो तीन चार और ये एन, यानी एन गो सीपीयू है, यानी हर के पास अपना एक प्रोसेसर है, और इसके अंदर में ना आपका एक मिनट, एगो दो गो तीन गो, 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 चलो। और ये सब ना आपका, ये सब आपका, ये पहला है रेडी स्टेट, ये है आपका रेडी स्टेट, ये है रनिंग स्टेट, ये रनिंग स्टेट, और ये आपका वेट रेडी, ठीक उसी प्रकार समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ जाओ, बहुत बढ़िया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब इसमें, अब इसके रेडी स्टेट में मान लो ये सारे के सारे ना एन मल्टीपल प्रोसेसर हैं, ये सब के सब मल्टीपल प्रोसेसर, यानी एक ही सिस्टम के अंदर ये सब बंधे हुए हैं, एक ही सिस्टम के अंदर बंधे हुए, यानी ये सब एक ही कंप्यूटर में, एक तरह से मान लो ये सब एक ही कंप्यूटर के अंदर में है, ठीक है ना, ये आपका मल्टी प्रोसेसर, ठीक है ना, सिस्टम है आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। आप बताओ इसके सिस्टम के अंदर में जो रेडी वाली अवस्था है, तो रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस रह सकते हैं? तो देखो रेडी के अवस्था में, नहीं, रेडी के अवस्था में जब सिंगल प्रोसेसर था मेरा, जब मेरा एक सिस के पास एक ही को प्रोसेसर था, वैसी अवस्था में जब रेडी में मेरे एक से अधिक रह सकते हैं, तो यहाँ पर तो मल्टीपल प्रोसेसर है ना जी, यहाँ पर तो मल्टीपल, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा रहेगा, यानी कितनों नंबर का रेडी में रह सकता है प्रोसेस, ठीक है। उसी प्रकार वेट वाले अवस्था में भी इस सिस्टम के अंदर में वेट वाले के पास भी वेट अवस्था में भी कितनों रह सकते हैं, एनी, ठीक है ना, फर्क ये है, हाँ एक से ज्यादा, और फर्क यहाँ पर यही है कि आप इस सिस्टम में ना आपके पास
एन प्रोसेस है यानी एन सीपीयू है, एन सीपीयू छोटा शब्द है अट जाएगा, एन सीपीयू यानी इसके पास ना एन गो प्रोसेसर है यानी ऑपरेट करने वाला प्रोसेसर एन गो। तो हम जानते हैं ना एक प्रोसेसर में, एक प्रोसेसर में, एक सीपीयू में, एक रनिंग अवस्था में एक एक गो रह सकता है एक प्रोसेस। तो ऐसे ऐसे आपके पास एन गो है तो कितने रह सकते हैं, ये गो यहाँ पर, ये गो यहाँ पर, ये गो यहाँ पर, ये गो यहाँ पर। तो इस सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम, इस सिस्टम के बारे में। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम के रनिंग वाले अवस्था में क्या गो प्रोसेस रह सकते हैं, स्वाभाविक है ना भाई, एन गो रह सकते हैं ना, प्रोसेसर रहेगा। हाँ, एन प्रोसेस रहेगा, हाँ एन रहेगा। तो हमने, हम ये कहा कि आपको ये एन गो रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर एन गो क्यों, तो एन गो इसलिए क्योंकि उसके पास एन गो प्रोसेस है यानी एन गो सीपीयू है, और एक सीपीयू में मेरा एक सीपीयू के रनिंग अवस्था में एगो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एन गो रहेगा उस सिस्टम के पास, क्योंकि सिस्टम के पास ना, मेरे पास सिस्टम के पास क्या कहते हैं, एन गो प्रोसेसर है। इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिख के बताए थे, तो पहले आपको समझा ही दिए हैं। देखो और एक बात बताते हैं आपको, एक मिनट। ये क्वेश्चन ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहते हैं, गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। गेट का नाम सुने हैं ना आप लोग? यस सर। वही गेट का क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम व्हिच हैज एन सीपीयू। आप मतलब ऐसा सिस्टम है जिसके पास एन सीपीयू है, एन सीपीयू प्रोसेसर है यानी प्रोसेसर उसके पास एन गो है। देन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट मे प्रेजेंट इन द रेडी रनिंग एंड वेट स्टेट। कह रहा है कि आप वही एक्सप्लेन किए हैं, तो वही है कि आपके पास एक ऐसा सीपीयू है जिसके पास एन गो प्रोसेसर है, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम है जिसके पास एन गो प्रोसेसर है। अब उसमें कह रहा है कि उसके रेडी वाले अवस्था में, रेडी स्टेट में, रनिंग स्टेट में और वेट स्टेट में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम कितने प्रोसेस रह सकते हैं। तो अब बताओ हमको, हालांकि आंसर तो हम लिखिए दिए, समझाइए दिए, तब क्या, देखो रेडी अवस्था में मिनिमम कितने रह सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो जीरो। रनिंग अवस्था में मिनिमम कितने रह सकते हैं, तो कुछ भी नहीं, जीरो। अब इसी का बताओ मैक्सिमम, रेडी अवस्था में, इस रेडी वाले अवस्था में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, तो कुछ भी रह सकते, कितनों भी रह सकते हैं, भी नहीं सर। मैक्सिमम में कुछ नहीं रह सकते हैं जी, मैक्सिमम में तो कुछ भी कितनों भी रह सकते हैं ना, एनी नंबर ऑफ। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम कितना रह सकते हैं इस रनिंग वाले अवस्था में, एन रह सकते हैं, मैक्सिमम एन रह सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि एन गो सीपीयू है ना, इसलिए पढ़ लो इसको आप लोग, क्योंकि एन गो सीपीयू है और एक सीपीयू में केवल एक प्रोसेस रह सकता है रनिंग अवस्था में, इसलिए मेरे एन गो रहेगा। ताकि ये पढ़ो आप लोग तो समझ में आ जाए और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। और ठीक उसी तरह वेट वाले अवस्था में बताओ कितने होंगे, वेट और ब्लॉक अवस्था में, तो मिनिमम जीरो, कुछ नहीं रहेगा तो बढ़िया, जीरो रहेगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द वेट और ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर बस फर्क यही था कि उस सिस्टम के पास ही ना एन गो प्रोसेसर था, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। बोलो, एक सिस्टम के पास एक से ज्यादा भी प्रोसेसर रह सकता है क्या? आवाज नहीं आपकी स्पष्ट आई, फिर से बोलिए ना प्लीज। फिर से बोलिएगा, आपका आवाज नहीं आई थी। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है। हाँ अब आ रही आवाज, बोलिए। तो बोल रहे थे ना कि एक सिस्टम, रह सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सस्ता होता है ना जी, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें एक एक प्रोसेसर, एक एक अंदर में प्रोसेसर जो रहता है लगा हुआ है ऐसे, इस प्रकार से जो आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे अंदर में, तो एक एक प्रोसेसर रहता है ना, तो उसका पड़ जाता है 45,000 लैपटॉप का दाम।
अगर दो को प्रोसेसर दे दे तो उसका ऐसे ही 1 लाख पड़ जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में एक ही को प्रोसेसर रहता है, एक ही को, ऐसा नहीं है, दो को भी रह सकता है, 4 को भी रह सकता है, ऐसा कुछ वो डिमांड के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से। आपका सुपर कंप्यूटर है तो बहुत सारे प्रोसेसर रहते हैं सुपर कंप्यूटर में, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, ये दो प्रकार का सिस्टम है ना कंप्यूटर सिस्टम, इसमें बहुत सारे मोर देन वन प्रोसेसर रह सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमारे लैपटॉप जो देखे हैं, देखते हैं हम लोग अपने लाइफ में, जनरल लाइफ में, तो हमारे इस्तेमाल के लिए होता है, कॉमन इस्तेमाल के लिए, इसलिए वहाँ पर सिंगल प्रोसेसर रहता है। जैसे नाम सुने होंगे इंटेल i7, इंटेल i5, कोर i3, है कि नहीं? सर, इसमें से प्रोसेस सबसे अच्छा कौन रहता है? जी अभी तो हमारे मार्केट में देखो क्या कहते हैं, इंटेल का ही सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इंटेल ही ऐसा जो है ना प्रोसेसर को जनरेट करने में, डेवलप करने में आगे है, ठीक है। इंटेल सर, हाँ इंटेल का ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा अगर लोगे तो उतना उसका फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, और मार्केट में वो अभी चलता भी नहीं है। चलता तो ऐसा है, बहुत सारे हैं, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एप्पल का हो गया, एप्पल का अपना एक प्रोसेसर होता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन चिप एंड बेस्ट में इंटेल ही होता है। चलो आप लोग तो कल क्विज में नहीं थे, कुछ लोग क्विज, देखो यहाँ पर कुछ क्विज हम बना सकते हैं, आप लोग ना जस्ट आपको दिखाते हैं कि कल क्विज नहीं हो पाया था क्योंकि ग्रुप नहीं होता हुआ था जनरेट, आज ग्रुप जनरेट हो गया है। अब आप लोग इसको क्या कहते हैं, जस्ट मिनिमाइज कर, मिनिमाइज मत करो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कैसे होगा क्विज, नहीं आप लोग नहीं देख पाओगे, अगर लाइव रहोगे तो नहीं देख पाओगे। चलो हम लोग क्विज किसी और दिन करेंगे, हम कल दिखाएं थे क्विज कैसे होता है, फिर से ना अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ और बताना है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेंगे समय। आप लोग टेलीग्राम पहले सभी लोग इंस्टॉल कर लो, तब जाके कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाना था हमको। नहीं जिसका जिसका जो टेलीग्राम इंस्टॉल होगा ना उन्हीं लोगों का हो पाएगा क्विज, क्या कहते हैं, नहीं तो टेलीग्राम जिसका इंस्टॉल नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे लाइव ऑनलाइन की तरह, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है ना उसी प्रकार। तो आप लोग ना टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए, जिनको इंटरेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बनाने का और सॉल्व करने का, और अपना रैंक देखने का कि मेरा कितना रैंक आया और कितने स्टूडेंट जो है ना इस मतलब एग्जाम को लाइव दिए हैं, तो उसमें से आपका कितना पोजिशन आया है, कितना सुधार करने की जरूरत है, ये सब आपको खुद सब कुछ मालूम चल जाएगा इस पे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और क्या कहते हैं, जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो मुझे खुद मालूम चल जाएगा, और मुझे हाई बोलिएगा टेलीग्राम पे तो मैं आपको उस क्विज, टेलीग्राम सर ये किए हैं, इंस्टॉल किए हैं। तो इंस्टॉल किए हैं ना, तो आप क्या कहते हैं मुझे हाई बोलिएगा ना, क्या कहते हैं 8935 17 को, इस नंबर पर मेरा टेलीग्राम एक्टिवेट है, आप उस पर मुझे हाई बोलिएगा तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपका, आप में से कुछ का नंबर सेव किया हुआ है, कुछ का नंबर सेव नहीं किया हुआ है, तो जिसका मैंने सेव किया है ना उसी का मेरे पास आता है SMS कि फलाना आदमी ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया है, 8935 87 49 73, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पर मुझे टेलीग्राम से जाके सर्च करके हाई बोलना, देखो कैसे बताते हैं तुमको, देखो कैसे करना है, इतना अच्छा व्यवस्था कहाँ होगा जी, टेक्नोलॉजी जिंदाबाद कहते हैं ना एक कहावत कि टेक्नोलॉजी। देखो मेरा मेरा टेलीग्राम है, दिख रहा होगा आप लोगों को, टेलीग्राम खुला और इसमें जाके नंबर दोगे, आप नंबर दोगे ना ऐसे करके, देखो तो कोई नंबर ऐसा फोन नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप डालोगे ना तो मेरा नंबर आ जाएगा। देखो आप लोग ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुन्ना कुमार सर्च मारना तो भी आ जाएगा, मुन्ना कुमार सर्च मारना, या पहले लेकिन सेव करना पड़ेगा आपको, पहले मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, उसके बाद सर्च मारना और इसमें हाई लिख के भेजना, ठीक है। स्क्रीन शॉट जिसको लेना है ले लो, ताकि नंबर किसी से भूल ना जाओ। चलो क्या बताओ, हटाओ हटाओ, अपना काम करते हैं। हेलो, अरे देखो कुछ नहीं, एक अब थ्योरी वाला पार्ट है फिलहाल, 2 4 मतलब मिनट के लिए कुछ आप म्यूट कर लो प्लीज, आपका आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो,
कौन बोल रहे हैं? आपका आवाज आ रही है, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। देखो आपके प्रोसेस के पास ना बहुत सारे प्रकार के टाइम होते हैं। अगर कोई प्रोसेस है, इसमें मान लो कि ये कोई प्रोसेस है पी, इसके ना बहुत सारे वक्त होते हैं। वक्त मतलब जैसे हर आदमी का अपना अपना वक्त होता है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, मीडियम वक्त, ठीक। इसके प्रकार, इसके भी कई सारे वक्त होते हैं। कौन सा वक्त के बारे में बात कर रहे हैं सर? कि देखो कोई प्रोसेस किसी सिस्टम के अंदर में कब पहुंचा, ठीक है, सिस्टम के अंदर में कब क्रिएट हुआ, कब पहुंचा, कब वो क्या कहते हैं अपना एक्सक्यूशन खत्म किया, यानी कब वो एक्सक्यूशन खत्म किया, और एक्चुअल में उसको कितने की जरूरत थी, कितने समय की उसको जरूरत थी। जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए, ठीक है ना, ये आपका कोई शॉप है, दरवाजा है ये मान लो, और ये इस प्रकार से कोई घर है, दुकान है मान लो, हटाओ, ठीक है ना, ये कोई दुकान है। आपने इसके अंदर में नाई, चलो सेविंग करवाने जाते हैं आप लोग, तो नाई के पास गए आप लोग, 10 बजे मान लो आप पहुंच गए, ठीक है ना, 10 बजे पहुंच गए, नाई ने आपको क्या किया, पूरा काम खत्म करके 10:30 तक काम खत्म कर दिया। तो आप बताओ, आपको लगा पूरा पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगा आपको आधा घंटा, आपने झट से निकाल दिया, लेकिन आपको पता था कि भाई साहब बाल बनाने में कम से कम 15 मिनट काफी है, तो क्या किया आपने, 15 मिनट का क्या किया, वेट किया ना जी। यस सर, हेलो, हाँ तो यही है। तो देखो ठीक उसी प्रकार ये आपका वेटिंग टाइम हो गया, ये आपका 30 वाला कंप्लीशन टाइम हो गया, और ये आपका 15 जो है ना, जो आपको पता है कि मुझे इतना ही लगना चाहिए था, लेकिन 15 इस नए वाले ने एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी वेट करवाया हमको। ये हो गया आपको, मतलब जिसको बोलते हैं बस टाइम, यानी जो एक्चुअल टाइम होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग बस टाइम। तो ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिनेरियो ऐसे ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक प्रोसेस का हाल ऐसे ही होता है। तो प्रोसेस के पास भी जैसे हमारे पास कई वक्त होते हैं ना, वही वक्त प्रोसेस के पास भी होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस, कौन से समय होता है प्रोसेस के पास, देखो दिखाते हैं। तो द प्रोसेस विल हैव वेरियस टाइप ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब कौन कौन से टाइम होते हैं, तो ये को टाइम है अराइवल टाइम, ये को टाइम है कंप्लीशन टाइम। देखो तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से, अराइवल टाइम से। इसी को छोटे शब्दों में एटी लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में एटी ना लिखेंगे आप लोग। तो देखो अराइवल टाइम नाम से ही क्लियर है कि अराइव करने का वक्त, जब कोई प्रोसेस, जैसे आप किसी दुकान पर अराइव किए ना, कब पहुंचे, तो वो समय ही होता है अराइवल टाइम। द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज अराइव्ड इनटू द रेडी स्टेट इज कॉल्ड एज द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। यानी जब कभी भी आप, जब कभी भी कोई प्रोसेस पहुंचता है, कौन समय में पहुंचता है, कहाँ पर, तो रेडी स्टेट, वो दुकान एक तरह से हो गया आपका रेडी स्टेट, जहाँ पर आप अपने घर पे बैठे रहोगे। मान लो ये आपका दुकान है और अपने घर पे बैठे रहोगे कि कोई अपना काम में, तो क्या कभी आपको माना जाएगा कि आप नाई के पास कटवाने जा रहे हो बाल? जी नहीं, आप दुकान में एंट्री कर गए तब ना समझेंगे कि आप यहाँ पर आए इस काम के लिए पर्पस। जब तक आप बैठा रहे थे अपने घर पे, तो किसी और काम में मशगूल हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप कब उस दुकान में जाके पहुंचे, हमको उससे मतलब है। तो यही आपका रेडी स्टेट, यानी क्या कहते हैं, जब कोई प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में, जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में कितने बजे पहुंचता है, किस समय पहुंचता है, वही समय हो गया आपका अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। यस सर, चलो अब देखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम बोले तो यही, जैसे बोले ना कि उस दुकानदार ने आपको ना 10:30 बजे काम खत्म कर दिया, लेकिन आपको एक्चुअली लगता 15 ही मिनट, तो आप 15 मिनट वेट कर पाया। ये आपका द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट्स टोटल एक्सक्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस। यानी जितना आपको पूरे काम को खत्म होने में, हो सकता कि आपको दुकानदार 11 बजे तक बैठा दे, 5 ही मिनट के काम के लिए 11 बजे तक बैठा दे, तो आपका कंप्लीशन टाइम कहा जाएगा 1 घंटे का। 10 बजे आपने एंट्री किया था और 11 बजे आपका काम खत्म हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीशन टाइम। यानी द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इज टोटल एक्सक्यूशन इज कॉल्ड द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। कब वो कंप्लीट हुआ, वही आपका हो जाएगा कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस के साथ भी ऐसा ही होता है। चलो अगला पेज, हम बस टाइम के बारे में बात किए थे। बस टाइम, कि बस टाइम क्या होता है, कि हमको एक्चुअल में कितना लगना था, हमको उस नाई वाले के दुकान के पास, हमको मेरा 5 मिनट में, 15 ही मिनट में मेरा काम हो जाता, लेकिन उसने 1 घंटा लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया, तो वो जो है ना, वो आपका हो गया एक्सक्यूशन टाइम।
और ये आपका जो एक्चुअल टाइम इतना ही था आपको जरूरत, इतने की जरूरत थी आपको, ये हो गया आपका बर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बर्स्ट टाइम, BURST, बर्स्ट एक्चुअली में इसको बर्स्ट है लेकिन आर साइलेंट है तो बर्स्ट टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं, डेफिनेशन वही है जो हम जानते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। इसके एग्जीक्यूशन को करने में जितना एक्चुअल टाइम लगा वही आपका है बर्स्ट टाइम, इसी को कहते हैं बर्स्ट टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर, जस्ट आगे देखो, ये आपका एग्जाम्पल है कि लेट मान लेते हैं प्रोसेस P1 अराइव्स एट टाइम 10 AM, कोई प्रोसेस P1 है जो आपका कब पहुँचता है 10 बजे में, एंड दे रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्यूशन टाइम इज 5 सेकेंड, उसको सिर्फ और सिर्फ कितने की जरूरत है, रिक्वायर्ड है 5 सेकेंड की जरूरत है एक्सक्यूशन करने के लिए, कितने क्या करने के लिए, एक्सक्यूशन होने के लिए, एंड दे कम्प्लीटेड देयर जॉब, जॉब कट गया, एंड दे कम्प्लीटेड देयर जॉब एट 10:10। तो अब बताओ, आप ही मुझे बताओ, एक मिनट, तो आप बताओ मुझे कि अराइवल टाइम क्या हो गया, बस टाइम क्या हो गया और कंप्लीशन टाइम क्या हो गया। अराइवल टाइम तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि भैया उन्होंने 10 बजे पहुंचा प्रोसेस, 10:10 हो गया, चलो ठीक है। और बस टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, और कंप्लीशन टाइम 10 सेकंड, कितना कितना, 10 सेकंड। हाँ सही है, 10 सेकंड, चलो तो आप लोग समझ गए, हाँ सही है, क्योंकि वो 10 बजे तो पहुंचा था तो आपका अराइवल टाइम हो गया। उसको एक्सक्यूशन करने में कितना एक्चुअल टाइम लगता है, रिक्वायर्ड आपको, रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्यूशन कितना का जरूरत पड़ता है उसको, तो 5 सेकंड, यहाँ देखो 5 सेकंड, तो आपका हो गया बस टाइम। और उन्होंने खत्म कब किया, दे कंप्लीटेड देयर जॉब, उन्होंने खत्म कब किया काम को, तो 10:10 में, तो देखो 10 बजे पहुंचा, यहाँ पर देखो 10 बजे पहुंचा और काम खत्म किया वो 10:10 में, तो जो एक्चुअल शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो काम था ना, जितना तक देखा उस दुकान में बैठा रहा जब से, तो उस टोटल टाइम हो गया आपका कंप्लीशन टाइम। और एक्चुअल टाइम उसका जितना जितना की उसकी जरूरत थी 5 सेकेंड की, तो वो हो गया आपका बस टाइम, ठीक। तो देखो यहाँ पे, और कंप्लीशन टाइम को ही हम लोग TAT, एक मिनट, कहाँ गया यार, टर्न अराउंड टाइम इसको बोलते हैं, TAT, टी से मतलब होता है, देखो यहाँ पे टर्न, ए से मतलब अराउंड और इस टी से मतलब टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम मतलब भी होता है आपका ये कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी आपने कब खत्म किया काम को, तो 10:00 मान लो कि 30 मिनट पर खत्म किया और आपने एंट्री मारा था 9 बजे, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया जी, 10 10:30 - 9 यानी 1.5 घंटा, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपको, तो हम बताते हैं आपको कि भैया देखो, आपको अभी हम जस्ट दिखाते हैं ये सब ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी प्रीवियस ईयर में कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है कि उसने कब खत्म किया, कंप्लीट कब किया, और उस माइनस उसने कब पहुंचा, वो पहुंचा कब था, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है ना। तो जब डेफिनेशन को देख रहे हैं यहाँ पर, देखो डेफिनेशन को, द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड एज टर्न, मतलब अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो आपसे अगर आपको बोले कि टर्न अराउंड टाइम किसी प्रोसेस का कितना होता है, तो आप उसके कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को घटा दोगे, यही आपका हो गया टर्न अराउंड टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मान लो कि किसी कोई प्रोसेस, मान प्रोसेस आपका P1 जो ना किसी सिस्टम में, मतलब रेडी स्टेट में पहुंचा आपका क्या कहते हैं 9 AM में, ठीक है, और वो 9:05 में वो कंप्लीट होके बाहर निकला सिस्टम से, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना सेकंड का हुआ, कितना मिनट का हुआ, 5 मिनट,
हाँ चलो ठीक है। हाँ उसका टर्न अराउंड टाइम 5 मिनट का हुआ, क्योंकि वो बाहर निकला इतना बजे यानी कंप्लीट करके, और एंट्री किया था कितना बजे, अराइव किया था 9 बजे। तो ये होता है दोनों का डिफरेंस को ही बोलते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ना। आप बोलोगे सर क्या किसको कैसे याद रखें, तो देखो जैसे हम याद रखे थे, हम अपने टाइम में इसको ऐसे याद रखे थे। कोई जरूरत नहीं है कि ट्रिक है आप लोग ही याद रखो, आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। मैंने किसको कैसे याद रखा था, टैट बराबर कैट ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये से हो गया कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम बराबर टर्न ये टैट, सी से हो गया कंप्लीशन टाइम, और एट मतलब अराइवल टाइम। देखो तो मैंने बस अपना याद, मैं खुद ऐसे याद किया था इसलिए मैं थोड़ा बता दिया कि अगर किसी को हेल्प हो जाए तो बढ़िया है। टैट बराबर कैट, टैट जैसे ही कोई पूछेगा टैट तो झट से भूल देंगे क्या, कैट ठीक है ना। टर्न अराउंड टाइम बराबर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ठीक है। तो बस इसको रखने की जरूरत नहीं है, जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना कचरा में फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, वेटिंग टाइम क्या है। तो वेटिंग टाइम तो नाम से ही क्लियर है कि भैया वेटिंग टाइम मतलब जितने का समय का वो इंतजार किया, तो वही वेटिंग टाइम कॉमन, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझाने की जरूरत ना है। फिर भी देख लेते हैं डेफिनेशन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम यानी एक्सक्यूशन टाइम इज डिफरेंट एज द वेटिंग टाइम। लो वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, आपने कब इंट्री किया, यानी देखो कि आपने इंट्री किया 9 बजे 9 AM में, और आपने आया बाहर 10:10 में, तो ठीक है। और आपका एक्चुअल समय था ना आधे घंटे का ही, 30 मिनट का ही, यानी आपको एक्चुअल इतने की जरूरत थी। तो अब बताओ मुझे कि एक्चुअल टाइम था आपको सिर्फ 30 मिनट की जरूरत थी ठीक है ना, और आपने 10:10 पर बाहर निकला, तो आपने कितना समय लिया टोटल एक्सक्यूट होने में, उस काम को उस प्रोसेस को एक्सक्यूट होने में कितना समय ले लिया, यानी 70 मिनट का। 70 मिनट का तो 35 मिनट सर वेट किएगा ना। हाँ, वेट किया तो आपने झट से निकाल ही दिया, वेट किया चलो ठीक है बहुत बढ़िया। तो आपने 35 नहीं है, 10:10 है बाबू, 40 है, 40 है सर। ये 30 ही है, ये 30 है। देखो हम फिर से बताते हैं, 9 बजे उसने, 1 मिनट का आगे, 9 बजे उसने एंट्री किया ठीक है, उसको चाहिए था एक्चुअली 30 मिनट का काम ठीक है ना, एक्सक्यूज यानी बॉस टाइम उसका सिर्फ 30 मिनट था, और वो निकला बाहर उस प्रोसेस से 10:10 में ठीक है ना। तो आप बताओ कॉमन सेंस से कितना वेट किया वो, 40 मिनट 40 मिनट का। तो आपने झट से निकाल दिया 40 मिनट, क्योंकि आप जानते हो। अब हम इसको एक और तरीका कैसे निकाल सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम कितना है आपका, देखो तो टर्न अराउंड टाइम कितना होगा इसका, इंट्री मतलब जब कब बाहर निकला, और माइनस टैट बराबर क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और कंप्लीशन टाइम कितना होगा 70 मिनट, क्योंकि 60 मिनट 9 1 10 है, 10 + 10 नहीं समझे, फिर से बताते हैं रुको कुछ ज्यादा हो गया। देखो बताते हैं क्या है, पहले इसको बंद करें। देखो उन्होंने 9 बजे इंट्री किया ठीक है, और 10:10 में बाहर निकला, तो हम बोलेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम कितना होता है। टर्न अराउंड टाइम टैट बराबर क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये आपका 10:10 बाहर निकला, तो यही तो आपका है कंप्लीशन टाइम, और ये आपका क्या है अराइवल टाइम, है कि नहीं। अब इस दोनों को घटाओ तो कितना जी होगा जी, इसको घटाओ तो, घटाओ तो 70 मिनट, 70 मिनट ना होगा जी, 1 घंटा 10 मिनट ना है, चलो 70 मिनट। और हम ये भी बोले थे कि उसको एक्चुअल समय ना 30 मिनट का लगता है, एक्चुअल समय 30 मिनट का लगता है, तो इस दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा 40। 40 मिनट सर। तो हमने क्या देखा कि उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया 40, और आपने में से आप में से और आप में से किसी ने भी बोला था ना कि 40 मिनट सर वेटिंग टाइम होगा। हाँ तो यानी हमने क्या देखा कि वेटिंग टाइम बराबर कितना होता है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या एक्चुअल टाइम, जिसको बोलते हैं ना एक्सक्यूशन टाइम या बस टाइम। तो वेटिंग का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि वेटिंग टाइम बराबर टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम या एक्सक्यूशन टाइम ठीक है। यस सर। चलो चलो तो ये देख लो आपका टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम, बस टाइम को बोलते हैं एक्चुअल एक्सक्यूशन टाइम,
इज डिफाइंड एज द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, यानी वेटिंग टाइम बराबर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, या इसी को वेटिंग टाइम बराबर टर्न अराउंड टाइम माइनस ईटी मतलब बोले तो एक्सक्यूशन टाइम, ठीक ना? आप एग्जांपल है जो बोवा वाला एग्जांपल है देखो, ऊपर वाले एग्जांपल में इन एवर एग्जांपल 10 सेकेंड उसका था टर्न अराउंड टाइम और ये 5 सेकेंड था आपका बर्स्ट टाइम, तो दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 5 सेकेंड, तो वेटिंग टाइम बराबर आपका 5 सेकेंड, जो मैंने आपको एग्जांपल समझा भी दिया एक अलग एग्जांपल से। तो चलो इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं और पढ़िएगा, छोड़ दिए। चलो कोई नहीं, क्या कहते हैं रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, क्या कहते हैं? फिर भी उजाला जी, रुचि जी तो हमको, रुचि जी आपको तो समझ में नहीं आया होगा, राजू भी नए हैं और मंटू तो आते हैं, धीरज कुमार आज नए हैं, उजाला भी शायद नहीं है, समझ में आया आप लोगों को जी? आप लोग पिछले क्लास छोड़ दिए हैं, हमको नहीं लगता है कुछ उतना समझ में आया हो सर क्या पढ़ाएं, फिर भी इतना देर बने रहे उसके लिए तो आ रहा है समझ में सर। उजाला जी तो आप तो आती हैं, इनसे बोले, रुचि जी से बोले हम। यस सर, समझ में आ रही है, समझ रहे हैं सर। हाँ हाँ आएगा आएगा, देखो हम यही बोल रहे हैं ना कि देखो आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, अभी के टाइम में इतना मतलब ये बोले हैं कि इतना हाईली डिमांडेड तो ना कहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अच्छे खासे स्टूडेंट को उसमें परेशानी होती है, और अपने से पढ़ोगे तो हम तो लगता है कि ये बस ना पढ़ पाओगे, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना कंप्यूटर का जो खुद से नहीं पढ़ा जा सकता है, किसी न किसी की आपको हेल्प लेना ही पड़ेगी, और कोई हेल्प करने के लिए अवेलेबल है तो आप उसका कदर नहीं करते हो। यूट्यूब पर की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर ना डिप्लोमा बेस्ड नहीं है कोई, सब जो है ना बीटेक बेस्ड ही है, तो इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म खोले हैं कि बहुत डिमांड होगा, शुरुआत में तो काफ़ी डिमांड था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि नहीं, फिर ये कह रहे हैं ना कि देखो हमारा फ़ायदा उठाओ आप लोग, जब तक हैं अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा किसी भी सेमेस्टर में, हम तो क्विट करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, लेकिन है राज सर जो है हमारे फाउंडर, वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं सर ये 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं ना आप लोगों को कि आप लोग कहीं भी पढ़ो, अपने कोचिंग में जाते होंगे ठीक है तो समझाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन घर बैठे मिल रहा है तो इसको आप लोग ऐसे मत समझो कि फ्री में मिल रहा है इस टाइप से, चाहे कुछ इस प्रकार से तो क्लास नहीं करना या रिकॉर्डिंग देख लेना इस टाइप से कुछ भी, तो नहीं समझोगे, क्योंकि आज न कल आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, आप डिप्लोमा कर भी लोगे ना तो इसमें कैरियर नहीं बना पाओगे, कैरियर क्या कहने का मतलब, आने वाले समय में सैकड़ों सी वैकेंसी निकलने वाली है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, डिजिटल हो रहा है पूरा बिहार, जितने भी डेटाबेस बन रहे हैं ना सब कुछ, अब रजिस्टर का कंसेप्ट गया तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है 4-5 सालों में, मतलब ये तो पक्का है। जैसे देखो अभी 10+2 स्कूल में कंप्यूटर टीचर की जरूरत है, बहुत 1200 टीचर निकाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, तो ये है ना फ्यूचर का डिमांड है, और जो लोग डिमांड दिमाग लगा रहे हैं कि सर मेरा इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कैरियर नहीं इसमें, तो कैरियर तो गर्दा है इसमें, बाकी के डिपार्टमेंट, सिविल का एक कैरियर बहुत मस्त है, जो जेन्युइन बात है बताते हैं आपको, सिविल का कैरियर बहुत लाजवाब है, और उसके बाद कोई आता है तो आप ही लोग का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? बहुत सारे बोल रहे होंगे सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्या है, सबका कैरियर है, लेकिन उसमें क्या है ना कि आप घर बैठे काम नहीं कर सकते हो।